प्रस्तुत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं जैनेन्द्र और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। पोस्ट बॉक्स नंबर 111 ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात के उन बिंदुओं का एक विस्तार है जो देशवासियों के साथ प्रधानमंत्री महोदय इस रूप में चर्चा करते हैं कि वो हमारे एक बेहतर समाज के निर्माण के लिए या बेहतर समृद्ध राष्ट्र के निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त हो उसके माध्यम से। और पिछले मन की बात में आपको याद होगा कि कृषि क्षेत्र के बारे में, और कृषि क्षेत्र कहने का मतलब कि किसानों को लेकर उन्होंने जो अपने उद्गार व्यक्त किए थे, कृषि क्षेत्र के बारे में जो पहल हुई हैं और ख़ासतौर पर MSP को लेकर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की थी। और आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि इस विषय पर प्रोफेसर रमेश चंद जी, जो कि इस प्रक्रिया से लंबे अरसे से जुड़े हुए हैं और आप नीति आयोग के सदस्य हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री के स्टेटस में आप उन तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर रहे हैं जो कृषि क्षेत्र से या कृषि से संबंधित जो आर्थिक परिदृश्य है उसके साथ जुड़ा हुआ है, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर इस कार्यक्रम में। धन्यवाद। चूंकि आपका तो अनुभव भी बहुत लंबा है, मेरा ख्याल है लगभग 35 वर्षों का तो इस क्षेत्र का आपका अनुभव है, और इसमें अध्यापन भी है, इसमें रिसर्च भी है, इसमें पॉलिसी मेकिंग भी है और उसका इम्प्लीमेंटेशन या क्रियान्वयन भी है। चूंकि रमेश जी, ये बात है कि किसी भी देश के लिए और खासतौर पर अपने देश की अगर हम बात करें तो कृषि है, उद्योग है, अब वर्तमान में सेवा भी है, तीन प्रमुख आधार हैं हमारी अर्थव्यवस्था के। कृषि को वर्तमान स्वरूप में आप किस तरह उसका आकलन करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में? जो कृषि है हमारे देश के लिए, तीन जो मेन उनकी कंट्रीब्यूशन है जिसे वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो देश की 45-50% जो वर्क फोर्स है वो अपनी जीविका के लिए कृषि पे डिपेंड करती है। अच्छा। तो ये एक बहुत बड़ा है कि इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यदि हम देखें तो हमारे देश की 45-50% तक के जो वर्क फोर्स है वो कृषि में एक मेन वर्कर के रूप में डिपेंड करती है। जो कृषि से उसको आय मिलेगी उसी से वो अपना निर्वाह करेंगे। दूसरा ये है कि कृषि का योगदान हमारी जो राष्ट्रीय आय है उसमें लगभग 17% है। अच्छा। तो यदि आप देखोगे कि हमारी मान लीजिए कृषि की वृद्धि दर जैसे पिछले वर्ष 6% हुई, तो इसका मतलब है कि जो देश की आर्थिक आय की वृद्धि है उसमें 1% की वृद्धि अकेले कृषि की वजह से हुई। तो जैसा हम देश को अपनी जो ग्रोथ रेट नेशनल आउटपुट है उसमें इम्प्रूव करना चाहते हैं कि हम उसको 7-8-9 ऐसे आगे ले जाना है, तो उसमें जो सेक्टर लगभग 17% कंट्रीब्यूट कर रहा हो उसकी एक बहुत बड़ी ग्रोथ में, आर्थिक वृद्धि में बहुत बड़ी भूमिका है। तो तीसरा एक मैं उसको जरूर करना चाहूँगा, वो बहुत महत्वपूर्ण है जी। वो है देश की फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। कोई भी बड़ा देश आयात के द्वारा अपनी फूड और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी नहीं इंश्योर कर सकता। सिंगापुर कर सकता है, छोटा कंट्री है जी। लेकिन जहां 130 करोड़ लोगों की आबादी हो वहां फूड सिक्योरिटी जो है थोड़ा सा भी कहीं शॉक, कहीं सप्लाई रुक जाए तो आप उसकी कल्पना कर सकते हैं कि उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। तो ये तीन जो है इसके मेन रोल हैं, और भी हैं लेकिन मुख्य रूप से ये तीन बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर सेक्टर की भारतीय अर्थव्यवस्था में, फूड सिक्योरिटी में और हमारी सोसाइटी में। तो एक समय था प्रोफेसर साहब जब आयात किया जाता था इस देश में अन्न का जी, क्योंकि तब हमारे पास पर्याप्त पैदावार नहीं थी, लेकिन इस देश के किसानों ने अपनी मेहनत से, अपनी सोच से और अपने जो भी नया वो तरीके अपना सकते थे उसके माध्यम से हरित क्रांति का सूत्रपात किया और अन्न उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी हुई कि हम अब अतिरिक्त अन्न उत्पादन भी हम करते हैं। लेकिन अब समय कुछ ऐसा आ गया है कि यूं महसूस होता है कि अब और बदलाव की आवश्यकता है, कुछ और तरह के बदलाव की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें अभी इतनी संभावना है कि देश के विकास को और गति इसके माध्यम से मिल सके? बिल्कुल। यदि आप हमारे एक्सपोर्ट को ही देख लो, निर्यात को देख लो, तो 2,20,000 करोड़ रुपए के लगभग हमारा एक्सपोर्ट है। लेकिन अभी थिंकिंग है सरकार में, ये सोच है कि इसको हम 100 बिलियन डॉलर, 1,100,000,000,000 के बराबर होता है जी, जी। कि हम इसको जो अभी हम 40 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए थे कि इसको 100 बिलियन डॉलर पर हम कैसे लेकर जाएं। तो किसी समय पे हमारे जो आयात थे वो निर्यात से कहीं ज़्यादा थे, लेकिन आज ये परिस्थिति है कि हमारे जो निर्यात हैं, एक्सपोर्ट हैं, वो जो हम इंपोर्ट करते हैं उसे दोगुना से भी ज़्यादा हैं। अच्छा।
हम केवल एक ऑयल, एडिबल ऑयल जो हमारे तेल हैं, खाने वाले तेल हैं, उसके लिए और थोड़ा दालों के लिए हमारी आर्थिक हमारी जो इंपोर्ट पे डिपेंडेंस है वो काफ़ी हाई रही है। लेकिन मेरा ख्याल है दालों की तो पैदावार भी दालों पिछले को दिनों पिछले बहुत अच्छी। तीन चार साल में बहुत अच्छी एक सही पॉलिसी और टेक्नोलॉजी के आने से लगभग अब जो हमारी हम कहते हैं कि भाई 23 मिलियन का मतलब 10 लाख, 23 मिलियन टन देश की खपत है और 23 मिलियन टन के लगभग ही अब हमारा उत्पादन हो गया है। इम्पोर्ट आने से उल्टा नुकसान हो रहा है, आपके प्राइसेस डिप्रेस हो रही हैं। लेकिन एडिबल ऑयल में, वेजिटेबल ऑयल में वो क्योंकि एक कुछ गलत नीतियां किसी समय पे शुरू हो गई थी, उनको भी हम अब प्रयत्न कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अभी इंपोर्ट पे कैसे हमने ड्यूटी इंक्रीज की ताकि देश में सही तरह के तेल और जो तेल के प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेटबैक ना पहुंचे। तो अब हमारा अगला टारगेट जो है सेल्फ सफिशिएंसी एडिबल ऑयल में इंप्रूव करने का होना चाहिए और होगा। अब इसमें कुछ विरोधाभास भी है प्रोफेसर साहब। विरोधाभास ये होता है कि जब अन्न का उत्पादन ज़्यादा हो, सब्जियों का उत्पादन ज़्यादा हो, तो उसके दाम गिर जाते हैं और अंततः होता क्या कि किसानों को, जिसने उसको पैदा किया इस ज़मीन से, उसको लाभ की जगह कई बार नुकसान होने की स्थिति आ जाती है कि इतने दाम नीचे चले जाते हैं। तो एक विरोधाभास किसान के सामने बहुत बड़ा है और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री महोदय ने जिस दिन ये संकल्प लिया कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है और उसके बाद इतने सारे प्रयत्न अलग अलग स्तरों पर किए जा रहे हैं कि कोशिशें दिखती हैं, परिणाम भले अभी अपेक्षित ना नजर आते हों, ये बात सही है। और इसीलिए प्रधानमंत्री महोदय ने बहुत विस्तार से और खासतौर पर बात की उन्होंने इनोवेशन की कृषि क्षेत्र में, वो हिस्सा मैं आपकी अनुमति हो तो श्रोताओं को सुनवाते हैं और फिर उस पर आपसे थोड़ी चर्चा करेंगे। बिल्कुल। तो श्रोताओं आइए प्रधानमंत्री महोदय के मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने नवाचार के लिए और कृषि क्षेत्र में नवाचार की जो उन्होंने बात की है उसको सुनते हैं। उसको विस्तार से समझने की आवश्यकता है जो हम प्रोफेसर रमेश चंद जी से समझेंगे। मैं पिछले दिनों दिल्ली में आयोजित कृषि उन्नति मेले में गया था, वहां किसान भाई बहनों और वैज्ञानिकों के साथ मेरी बातचीत, कृषि से जुड़े अनेक अनुभवों को जानना, समझना, कृषि से जुड़े इनोवेशंस के बारे में जानना, ये सब मेरे लिए एक सुखद अनुभव तो था ही, लेकिन जिस बात ने मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित किया वह था मेघालय और वहां के किसानों की मेहनत। कम क्षेत्रफल वाले इस राज्य ने बड़ा काम करके दिखाया है। मेघालय के हमारे किसानों ने वर्ष 2015-16 के दौरान पिछले 5 साल की तुलना में रिकॉर्ड पैदावार की। उन्होंने दिखाया है कि जब लक्ष्य निर्धारित हो, हौसला बुलंद हो और मन में संकल्प हो तो उसे सिद्ध कर सकते हैं, कर दिखाया जा सकता है। आज किसानों की मेहनत को टेक्नोलॉजी का साथ मिल रहा है जिससे कृषि उत्पादक को काफी बल मिला है। तो प्रोफेसर साहब, ये प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा कि वैज्ञानिकों के साथ उनकी बातचीत हुई, बल्कि दिल्ली में ही आयोजन हुआ था जिसका उन्होंने जिक्र किया, मेरा ख्याल है आप भी शायद वहां रहे हो जब कृषि उन्नति मेला लगा था पूसा में। अब कृषि में इनोवेशन की बात, थोड़ा सा इसको हम समझना चाहते हैं कि आखिर क्या नवाचार, किसान के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं, सीमाएं हैं, उसके अपने दायरे हैं, अब उसमें किस तरह के नवाचार की संभावना आप बता सकते हैं या जिस पर वो भरोसा करे कि वो कर सकता है? ऐसा है, जो टेक्नोलॉजी है इसको सारे अध्ययन बताते हैं कि ये प्राइमरी मूवर है प्रोग्रेस का। अच्छा। यदि कहीं टेक्नोलॉजी नहीं आती तो वो उत्पादन या वो समाज रुक जाता है उसका विकास। तो प्रधानमंत्री जी के मन में जब उन्होंने इनोवेशन की बात की, यही उनके मन में था और वो एग्जीबिशन देखकर आए थे कि क्या क्या इनोवेशंस वहाँ वैज्ञानिकों ने डिस्प्ले किया जी। तो हमारे यहाँ हमने काफ़ी उन्नति की, लेकिन अभी भी यदि आप हमारी प्रोडक्टिविटी देखो काफ़ी फसलों की और उसको कंपेयर करिए चाइना से, ब्राज़ील से, यूएसए से या यूरोप के कंट्री से, देशों से, तो आप पाओगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है। इसी तरह आप देश के अंदर ही यदि प्रोडक्टिविटी कंपेयर करो कि कई जगह जैसे पंजाब में आप लोगे या हरियाणा में कि गेहूं की आपको एक हेक्टेयर से आप 45 क्विंटल तक उसकी यील्ड लेते हो, लेकिन हमारे ऐसे भी प्रदेश हैं जहां पर 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर होती है। तो वो क्यों होती है 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर? क्योंकि उन्होंने जो नई इनोवेशन है, टेक्नोलॉजी है, उसको अडॉप्ट नहीं किया। तो पहला रोल तो टेक्नोलॉजी का कि हमने विज्ञान, किसान, नीतियाँ, इन तीनों के सम्मेलन से ही इनोवेशन अडॉप्ट होती है।
तो ये जो हमारे अपने एक सिस्टम है ICR का, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज का, उन्होंने काफ़ी जगह इतनी किया हुआ है, किस्में डेवलप की हैं, प्रैक्टिस डेवलप की हैं, कि इस तरह के हमारे पास एविडेंस हैं कि जो किसान के फील्ड पे हो रहा है और जो हो सकता है उसमें कई जगह तो हम देखते हैं कि उसको हम 2 से 3 गुना भी उसको बढ़ा सकते हैं उसके उत्पादन को। तो उसमें बहुत चीज़ों का रोल आता है। सबसे पहला रोल आता है उसमें अच्छे बीज का जी, क्योंकि बीज तो फाउंडेशन है। यदि बीज ही अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो फिर क्या, अच्छे बीज का, फिर उसको समय पे बोने का, उसका जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिस है उसको फॉलो करने का, जो कहीं कोई बीमारियां लग जाती हैं उनसे उपचार करने का, इसी तरह हमारे जो इनपुट्स हैं उनमें खर्चे बचाने का एक बहुत बड़ा स्कोप है। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कई बार नीति आयोग में जब भी आए तो उन्होंने इस चीज़ पे बल दिया काफ़ी ज़्यादा कि हमारे यहाँ मान लो हम किसी खेत में 10 किलो नाइट्रोजन अप्लाई करते हैं, जो प्लांट्स को पौधे नाइट्रोजन लेते हैं वो केवल 3 किलो या 3.5 किलो लेते हैं। तो इसका मतलब बाकी वेस्ट चला जाता है। हाँ, बाकी वो पानी में, अच्छा, सॉयल में, हवा में उड़ के इस तरह से, लेकिन वो अगर नुकसान होता है। हाँ, वही एक्सेस होता होगा तो मिट्टी को भी नुकसान पहुंचाता होगा। एक्सेस नहीं, वो उसका एक प्रॉपर यूज नहीं हुआ। अच्छा, तो हम उस एफिशिएंसी को बढ़ाकर काफी ज्यादा कर सकते हैं। इसी तरह पानी में हम फ्लड इरीगेशन करते हैं, तो चाहे वो पानी हो, चाहे वो फर्टिलाइजर हो, चाहे और कोई इनपुट हो, उनमें हमारे यहाँ काफ़ी स्कोप है एफिशिएंसी इंप्रूव करने का। और आप जितनी एफिशिएंसी इंप्रूव करते हो उतने ही आपके खर्चे कम होते हैं। तो एक और इनोवेशन से आप प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, दूसरी और इनोवेशन से आप खर्चे कम करें, तीसरी और इनोवेशन से आप क्वालिटी जो है उसको इंप्रूव करें, और चौथा इनोवेशन से आप जो वेस्टेज है उसको कम करें, और पांचवा इवन मार्केटिंग में भी इनोवेशन लाना। इसके बारे में भी उन्होंने चर्चा की प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन अभी थोड़ा इसको मैं समझना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए आपने पंजाब का जिक्र किया और बहुत अच्छी उत्पादन वहाँ हमें देखने को मिलता है खेतों में, लेकिन समस्या वहाँ के किसानों के साथ भी बहुत है। और मुझे लगता है शायद ये जो कारण आप बता रहे हैं कि लागत वहाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है और चीज़ों का या संसाधनों का सही ढंग से इस्तेमाल हम नहीं कर पाते हैं, तो एक तरफ लागत बढ़ जाती है, दूसरी तरफ दाम अपेक्षाकृत उसके अनुरूप नहीं मिल पाते हैं, तो कहीं ना कहीं किसान एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। जबकि मिट्टी हमारी इतनी अच्छी है, इतनी उपजाऊ मिट्टी है, और इस मिट्टी को ही तो लेकर देखिए उपकार जो फिल्म बनी थी मनोज कुमार जी ने बनाई थी कि मेरे देश की धरती सोना अगले, वो एक ऐसा माइलस्टोन गीत है कि जब हम खेती की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, अपने खेत खलिहानों की बात करते हैं, तो सबसे पहले वही गीत सामने आता है, वो दृश्य सामने आता है। तो आपकी अनुमति हो तो वो गीत हम श्रोताओं को सुना देते हैं, बिल्कुल, और फिर लौट कर आते हैं। उसका रिदम ही बड़ा कमाल का जी, है जी, जी। कि मन झूमने लगता है। हाँ, घुंघरू की आवाज जब आती है बैल के गले से, आदमी झूमने लगता है। आइए सुनते हैं। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को संदूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुनके रहट की आवाजें, सुनके रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती।
धरती सोना उगले उगले है हीरे मोती ही, मेरे देश की धरती। श्रोताओं, कार्यक्रम आप सुन रहे हैं पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में प्रोफेसर रमेश चंजी से हम बातचीत कर रहे हैं कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई उन मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री महोदय ने मन की बात में आपके साथ साझा किया था। प्रोफेसर रमेश चंजी नीति आयोग के सदस्य हैं, ये तो हमने आपको पहले भी बताया। आप इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है दिल्ली का, उसके साथ लंबे समय तक जुड़ाव आपका रहा है और आपकी विशेषज्ञता जो है वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स यानी कृषि अर्थशास्त्र में बहुत गहरी है और इस क्षेत्र में चाहे वो उत्पादकता हो, विकास हो, नीति निर्धारण हो, किसानों के मुद्दे, बाजार, व्यापार, इन विषयों पर आपने प्रोफेसर साहब पुस्तकें भी काफ़ी सारी लिखी है ना, 7 पुस्तकें लिखी हैं आपने, लेकिन आपके आर्टिकल्स तो रिसर्च पेपर्स तो मेरा ख्याल है सैकड़ों छपे हुए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जर्नल्स में छपे हुए हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो चर्चा की उसमें एक उन्होंने मेघालय का जैसे उदाहरण दिया, अब ये बात उन्होंने उसकी तारीफ की मेघालय के किसानों ने जो उपलब्धि हासिल की है, लेकिन उसको थोड़ा सा विस्तार से हम समझना चाहते कि वहाँ के किसानों ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से उनके उत्पादन में इतनी बढ़ोतरी हुई। ऐसा है कि लगभग हमें हर स्टेट में इनोवेटिव फार्मर मिल जाएंगे, वो मैंने आंध्रा में भी देखे, कर्नाटका में भी देखे, अभी हरियाणा में भी देखे, आप कहीं भी जाइए। अभी एक राष्ट्रपति भवन में इनोवेशन पे एक फेस्टिवल हुआ था जी, तो उसमें भी उन्होंने ग्रास रूट की इनोवेशन दिखाई, तो वो ऐसी इनोवेशन करते हैं। पिछले साल जैसे मैंने देखा था, मैंने गाजर ऐसी क्वालिटी की और इतनी ज़्यादा बड़ी देखी, एक राजस्थान की महिला ने उसको सुधार कर करके एक हाई जो है लेवल उसके ऊपर वो लेकर आए। अच्छा, तो दो तरह से हम प्रोग्रेस कर सकते हैं, एक ये है कि साइंस, दूसरा ये है कि जो फार्मर है वो भी, क्योंकि दिन रात वो उससे जुड़ा हुआ है, उसका अपना देखने का नज़रिया, अपने तजुर्बे से चीज़ों में सुधार लाना, तो बहुत सी हमारी ऐसी ग्रास रूट्स इनोवेशन हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा एक तो उत्पादन बढ़ाना और खर्चे कम करना और उसके साथ साथ जो ग्रास रूट इनोवेशन है उनका साइंटिफिक इनोवेशन के ऊपर एक एज इसलिए है कि वो सस्टेनेबिलिटी के एंगल से बहुत मजबूत है। सस्टेनेबिलिटी के एंगल का मतलब है कि वो उनमें एक रेजिस्टेंस है इंसेक्ट्स के लिए, कीड़ों के लिए। अच्छा। उनमें क्लाइमेट चेंज, यदि गर्म हो जाए, यदि ड्राउट आ जाए, उससे लड़ने की क्षमता जो ग्रास रूट इनोवेशन है उनमें साइंटिफिक इनोवेशन से ज़्यादा एक क्षमता है, और क्वालिटी में भी हमने देखा है कि कई जगह वो बहुत अच्छी क्वालिटी आती है जी। लेकिन एक चीज़ है कि देखिए, जो इनोवेशन की आप बात कर रहे हैं, उपकरण, औजार हैं, बहुत सारे ऐसे हैं जो अब जिनका इस्तेमाल करते हैं, तो आप कम से कम लागत भी आपकी कम होती है, उसकी क्षमता आपकी बढ़ जाती है, उत्पादन की कम समय में कम लोग ज़्यादा काम कर पाते हैं, और कई जगह तो कृषि क्षेत्र में ये भी समस्या देखने में आती है कि वहाँ काम करने के लिए लोग नहीं मिलते जी, क्योंकि ज़्यादातर गाँव से लोगों का पलायन शहरों की तरफ हो गया। लेकिन अब समस्या ये है प्रोफेसर साहब की, ज़्यादातर जो किसान हैं उनकी छोटी जोत है, अब उसमें उनके सामने एक चुनौती रहती है कि इतनी कम आमदनी में वो उपकरणों पर और औजार पर पैसा कहाँ से खर्च करें, अगर ऋण लेके करते हैं तो वो खतरा है कि उनकी वापस करने की दिक्कत है, तमाम तरह की चुनौतियाँ हैं। नहीं, इसके लिए हमने दो मॉडल प्रमोट करने का सरकार में काम शुरू किया है जी। एक तो ये है कि कस्टम हायरिंग सेंटर खुले। अच्छा। हमारे यहाँ इतने ज़्यादा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं, सबको सरकार में नौकरी भी नहीं मिलती, बिल्कुल सच, और उनके द्वारा जो एक कस्टम हायरिंग सेंटर, उनको बैंक से एक सही वाजिब रेट पे इंटरेस्ट लेकर कि वो अपने यहाँ जो उस एरिया के लिए मशीनरी चाहिए वो उसको रखें और दूसरों के यहाँ काम करें। अच्छा, तो कुछ प्राइवेट प्राइवेट सेक्टर ने भी इस पे काफी काम शुरू किया है। एक प्राइवेट सेक्टर है EM3 समाधान के नाम से। अच्छा। तो उन्होंने मध्य प्रदेश में पहले काफी काम किया था, तो अभी मैं उनका देख रहा था कि वो लगभग 1000 कस्टम हायरिंग सेंटर राजस्थान में सेटअप करने जा रहे हैं, किसानों के लिए भी मशीनरी हायरिंग के लिए कॉल सेंटर, कस्टम सेंटर, इसको प्रमोट करने का एक इनिशिएटिव है। तो इसको क्या ऐसे युवाओं को कुछ ऐसी स्कीम है, जैसे आमतौर पर तो एक मुद्रा जिस तरह प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया था, तो क्या कोई ऐसी स्कीम है कि वो अपने संसाधनों से या लोन लेके ऐसे शुरू अपने कर सके? संसाधनों से भी है और कुछ सब्सिडी भी उसमें मिलती है। अच्छा। और स्टेट्स को सेंटर देता है RKVY वगैरह में, फार्म मैकेनाइजेशन में। अच्छा। कुछ उनको उसमें भी फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलता है, अदर देन के वो बैंक से अपना पैसा लेंगे, उसमें कुछ सब्सिडी का भी प्रोविजन है उनको इनकरेज करने के लिए। अभी देखिए, इन दिनों भी, अब इतने सालों से हम लोग देख रहे हैं खेती को, मैं खुद कृषक परिवार
परिवार से हूँ, लेकिन अब धान की रुपाई अभी भी हाथ से ही होती है। जी जी, मैं उस पे आता हूँ। हाँ। और उसके साथ मैं दूसरी चीज जोड़ना चाहूंगा, मैंने आपको कहा था उसके दो इनिशिएटिव हैं। अच्छा, हाँ, पहले दूसरा उसका इनिशिएटिव है FPO के फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसके लिए भी स्मॉल फार्म एग्री बिजनेस कंसोर्शियम है और नवार्ड है, ये दोनों काफ़ी फाइनेंशियल असिस्टेंस भी देते हैं। और इस बार बजट में जो एक घोषणा हुई है कि उनको जो इनकम टैक्स को ऐसे ट्रीट किया जाएगा जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी का होता है। अच्छा, तो ये एक बहुत बड़ा उनके लिए प्रोत्साहन है कि यदि छोटे छोटे 100 किसान हैं तो वो मिलके अपनी एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, अपने रिसोर्सेज को चाहें तो पूल करें, इसी तरह से वो अपने इनपुट जो है एक कॉमन रूप से एक आदमी जाके आधा थैला या एक थैला खाद का लाने की बजाय अपनी टोटल डिमांड जो जरूरत देखकर उसको करें। तो दूसरा मॉडल वो FPO का है। अच्छा, जहां भी लो स्केल स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर होते हैं वहाँ आपको या तो कस्टम हायरिंग पे जाना पड़ेगा या फिर आपको अपनी संस्था बनाकर अपनी स्केल को बड़ा करके उससे उसको जो है आपको अपनी रिक्वायरमेंट मीट करनी होगी। जो छोटे छोटे जैसे न्याय पंचायत या जिला स्तर पर संस्थाएं कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी हुई हैं जो किसानों के लिए लोन भी देती हैं, बीज देती हैं, ये बहुत सारी सुविधाएं उनकी तरफ से हैं, तो क्या वो भी इस तरह के कामों को अपने हाथ में ले सकती हैं? ऑलरेडी कोऑपरेटिव कई जगह काफ़ी एक्टिव रोल प्ले करती हैं। जी, वो अकेले क्रेडिट ही नहीं किसानों को देती, वो उनके लिए इनपुट्स भी लाती हैं, कई जगह वो लार्ज स्केल पे करके उनका जो है आउटपुट को मार्केट करने में भी रोल प्ले करती हैं। लेकिन उनका इतना सक्रिय भूमिका एक दूध के अलावा बाकी चीज़ों में इतना नहीं रहा। हाँ। इसीलिए एक FPO का मॉडल बाकी जो क्रॉप सेक्टर है उसके लिए सरकार लेकर आई है, पिछले कई सालों से उसको काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और अभी भी सरकार की वो एक प्राथमिकता है कि कैसे हम छोटे फार्मर को FPO के मेंबर बना के फार्मर किसानों के अपने संगठन के मेंबर बनाकर ताकि वो एक इंडस्ट्री की तरह ही उनको फिर सारी फैसिलिटीज मिलती हैं और जो स्केल फैक्टर है उसको भी एक छोटे स्केल होने से जो उनके डिसएडवांटेज होते हैं उसको भी वो ओवरकम कर सकते हैं। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात है। लेकिन एक चीज़ बताइए कि अब किसान आमतौर पर 2 या 3 फसल लेता है अपने खेत से साल में, लेकिन क्या उसमें भी बढ़ोतरी की संभावना हो सकती है कि 3 की जगह वो और ज़्यादा फसल ले पाए उसमें? आप जब ये मिसाल दे रहे हैं तो शायद आपकी नज़र हरियाणा और पंजाब के ऊपर। जी, एक्चुअली हमारे देश में हम 40% एरिए में ही केवल 2 फसलें लेते हैं। अच्छा, हमारा 60% एरिया देश में ऐसा है जहां पर क्रॉप कवरेज केवल 4-5 महीने के लिए ही होता है और वो 7 महीने खाली पड़ा रहता है। अरे, तो जब हमने नीति आयोग में डबलिंग फार्मर इनकम का एक मॉडल बनाया तो उसमें ये भी एक सोर्स हमने रखा कि हमारे यहाँ हम कैसे क्रॉप इंटेंसिटी, इसको हम फसल की घनता या क्रॉप इंटेंसिटी कहते हैं, उनको कम से कम 180 या 190 के पास कैसे ले जाएं। 190 का मतलब है कि हम 90% क्षेत्र में कम से कम 2 फसलें लें। हाँ, कम से कम 2 फसलें तब भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती है, बहुत ज़्यादा हो सकती है। और अभी ये बहुत ही दुख का विषय है कि हम 2 फसलें ऑल इंडिया लेवल पे केवल 40% क्षेत्र पर ही लेते हैं, उसमें क्रॉप इंटेंसिटी जो आपने कहा 3 से 4 तो एक बहुत बड़ी बात है। मैं उसको कहूंगा अभी तो हमें उसको 1.5 से 2 कर लें तो उससे भी बहुत बड़ा हमारी उपलब्धि हो जाएगी। दरअसल चूंकि इसके उदाहरण हैं, सफल उदाहरण बिल्कुल हम सबके सामने बिल्कुल है तो जी जी। लेकिन यह है कि किसानों तक इन चीजों की जानकारी पहुंचना बहुत जरूरी है और उनको एक आशंका जो किसान के मन में मैंने देखी उसके चेहरे पर एक इस बात को लेकर बड़ी शिकन रहती है क्योंकि प्रकृति का प्रकोप क्या हो, फसल को कब क्या किस तरह का नुकसान हो, उसके पैदावार कैसी हो, दाम कैसे मिले, तो एक हमेशा वो एक दबाव में रहता है हमारा किसान जो है, तो वो दबाव से निकलकर एक आश्वस्त भाव से अपनी खेती को कर पाए ये बहुत जरूरी है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, उससे पहले गीत हम श्रोताओं को सुनवा देते हैं क्योंकि हम किसानों की बात कर रहे हैं, खेती की बात कर रहे हैं, तो हमें तमाम फिल्मों में और फिल्मों में हम देखते हैं जब लहलाते हुए खेत, हरे भरे खेत, चाहे वो सरसों के खेत हो चाहे वो गेहूं की बालियों से दूर तक हरियाली नजर आती हो, बहुत ही सुंदर दृश्य आते हैं। मुझे एक फिल्म याद आ रही है, शायद आपने भी देखी हो, वीर जारा फिल्म आई थी और वीर जारा में पंजाब की शूटिंग थी, खेतों के बीच से वो बस निकलती है तो एक बड़ा सुंदर गीत है जो वहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य को बड़े अच्छे ढंग से अभिव्यक्त करता है। वो गीत हम श्रोताओं को सुनवाते हैं फिर लौट कर आते हैं। अंबर है ठान
ਧਰਤੀ ਵਸਦੀ ਇੱਥੇ ਹਰ ਰੁੱਤ ਹੱਸਦੀ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਧਰਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੰਬਰ ਨੀਲਾ ਧਰਤੀ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੰਬਰ ਨੀਲਾ ਹਰ ਮੌਸਮ ਰੰਗੀਲਾ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਬੋਲੇ ਪਪੀਹਾ ਕੋਇਲ ਗਾਏ ਪਪੀਹਾ ਕੋਇਲ ਗਾਏ ਸਾਵਨ ਘਿਰ ਕੇ ਆਏ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹੋ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ ਹਾਂ ਐਸਾ ਦੇਸ ਹੈ ਮੇਰਾ। श्रोताओं, खेत खलिहानों का अपना एक सौंदर्य है और वो सौंदर्य इतना सुख देता है, इतनी शांति देता है और अपनी मिट्टी से अपने माहौल से जुड़कर किसी को भी अच्छा लग सकता है क्योंकि हमारी वो जड़ें हैं और वही मिट्टी के कणों से जो अन्न उपजता है किसान की मेहनत का फल बनकर उससे हमारा जीवन चलता है। लेकिन किसान का जीवन भी खुशहाल हो ये सरकार की मंशा है, प्रधानमंत्री महोदय का संकल्प है और उस संकल्प को साकार करने के लिए पूरी व्यवस्था जिस तरह से तत्पर है, हमारी कोशिश ये है कि उनमें से बहुत सारी बातों की जानकारी आप तक पहुंचे आकाशवाणी के माध्यम से और इसीलिए आज हम प्रोफेसर रमेश चंद जी से बात कर रहे हैं, बहुत सारी जानकारी आज आपसे मिल पा रही है हमें। प्रोफेसर साहब, जो महत्वपूर्ण बात है वो प्रधानमंत्री जी ने जिसे बहुत विस्तार से बात की थी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो उन्होंने बात की, MSP की बात की, और चूंकि प्रधानमंत्री महोदय ने कहा ही है कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना है हमें, असल में तभी किसान एक भरोसेमंद स्थिति में आ पाएगा। लेकिन वो एक चुनौती भी है मुझे लगता है बहुत बड़ी, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं कि अभी 40% हिस्से में ही सिर्फ दो फसलें ली जाती हैं और बाकी में सिर्फ एक फसल ली जाती है, तो ये बहुत बड़ी चिंता की बात है। लेकिन अभी हम MSP में बात करते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने जो कहा है मन की बात में वो हिस्सा हम श्रोताओं को सुनवाते हैं, फिर उस पर थोड़ा आपसे बातचीत करना चाहेंगे। भाई और बहनों, इस साल के बजट में किसानों को फसलों की उचित कीमत दिलाने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया गया है। यह तय किया गया है कि अधिसूचित फसलों के लिए MSP उनकी लागत का कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा। अगर मैं विस्तार से बताऊं तो MSP के लिए जो लागत जोड़ी जाएगी उसमें दूसरे श्रमिक जो मेहनत और परिश्रम करते हैं उनका मेहनताना, अपने मवेशी, मशीन
या किराए पर लिए गए मवेशी या मशीन का खर्च, बीज का मूल्य, उपयोग की गई हर तरह की खाद का मूल्य, सिंचाई का खर्च, राज्य सरकार को दिया गया लैंड रेवेन्यू, वर्किंग कैपिटल के ऊपर दिया गया ब्याज, अगर जमीन लीज पर ली है तो उसका किराया, और इतना ही नहीं, किसान जो खुद मेहनत करता है या उसके परिवार में से कोई कृषि कार्य में श्रम योगदान करता है, उसका मूल्य भी उत्पादन लागत में जोड़ा जाएगा। इसके अलावा किसानों को फसल की उचित कीमत मिले, इसके लिए देश में एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म पर भी बहुत व्यापक स्तर पर काम हो रहा है। गांव की स्थानीय मंडियां, होलसेल मार्केट और फिर ग्लोबल मार्केट से जुड़े, इसका प्रयास हो रहा है। किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़े, इसके लिए देश के 22,000 ग्रामीण हाटों को जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ अपग्रेड करते हुए एपीएमसी और ईनाम प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। यानी एक तरह से खेत से देश के किसी भी मार्केट के साथ कनेक्ट, ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एक परंपरा रही है श्रोताओं, और इस परंपरा का लाभ जो भी मिलता रहा हो, लेकिन अभी सरकार की मंशा ये है कि, और जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि उसे कम से कम 1.5 गुना घोषित किया जाएगा, और उसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ों का समावेश किया गया है जो पहले कभी नहीं थी। प्रोफेसर साहब, मुझे लगता है एक बहुत क्रांतिकारी सा कदम है कि यहाँ तक कि जो लैंड रेवेन्यू है, वर्किंग कैपिटल के ऊपर जो ब्याज है, ये जो प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी बातें गिनाई हैं, उससे फ़र्क पड़ेगा? उससे हमने सब ये कैलकुलेशन की है कि उससे कितना फ़र्क पड़ेगा, किसान की आय पे कितना फ़र्क पड़ेगा। तो इस बजट में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के जो डबलिंग फार्मर इनकम का इनिशिएटिव है, उसको हासिल करने के लिए दो ऐतिहासिक घोषणाएं हुई जी। पहली ऐतिहासिक घोषणा तो ये हुई कि जब आप एमएसपी देते हैं तो खर्चे का कौन सा कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे, तो उसका उन्होंने बताया कि हमारे एक टेक्निकल नाम है उसका, A2 खर्चा कहते हैं। अच्छा। और उसमें फैमिली लेबर को जोड़ के एक कॉन्सेप्ट बनता है। A2 ऐसा है कि उसमें कोई भी किसान ने मटेरियल या सर्विस खरीदी हो या अपने वहाँ से किया हो, जैसे अपने बैल। अच्छा। तो वो उसने सर्विस खरीदी नहीं, उसके अपने बैल हैं। हाँ, हाँ। उसके अपने ट्रैक्टर की लेबर, तो इसी तरह उसके अपने घर का बीज, खरीदा हुआ बीज, अपने घर की कंपोस्ट, खरीदी हुई कंपोस्ट, फर्टिलाइजर, केमिकल, तो सारे ही, चाहे वो खरीदे हुए, चाहे उसके अपने घर के मटेरियल और सर्विस जो हैं उनका खर्चा, प्लस किसान का अपना समय जितना उन्होंने कृषि में लगाया, उस फसल में लगाया, और उनके परिवार ने जितना फसल अपना लगाया, तो ये भी खर्चे प्लस में जोड़ा जाएगा। यदि उन्होंने कोई नहर का पानी लग रहा है उसका दिया, कोई बिजली का बिल दिया, या जमीन ठेके पे लेकर वो खेती कर रहे हैं उसका रेंट क्या है, मामला तो आजकल बहुत कम रह गया, लेकिन जो भी है, इन सब को शामिल करके एक कॉन्सेप्ट बनता है, A2+FL कहते हैं हम उनको। तो ये उन्होंने कहा कि इस पे कम से कम 50% मार्जिन देंगे, कॉस्ट का कॉन्सेप्ट लेकर तब MSP फिक्स की जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितना A2+FL है, यदि मान लो गेहूं में वो 1,000 रुपया बनता है तो 1,500 ही MSP फिक्स की जाएगी, कम से कम। अच्छा। ये कहा गया है कि कम से कम जो MSP होगी वो उसके 1.5 गुना से नीचे नहीं होगी। ऊपर कितना जा सकती है वो आप और दूसरे फैक्टर्स को देखते हो, इंटरनेशनल प्राइस क्या है, डिमांड कैसी है, शॉर्टेज तो नहीं आ रही, तो उन सब चीज़ों को देखकर। तो एक तो ये है कि जो MSP देने का आधार है उसको उन्होंने थोड़ा आधार को बड़ा किया है, ताकि निश्चित रूप से MSP जो है, और हमारी कैलकुलेशन ये बताती है कि कम से कम 12 फसलों में 4% से लेकर 48% की वृद्धि इस फार्मूले को बदलने से MSP में होगी। अच्छा। दूसरा जो है वो ये है कि हम 50 सालों से MSP की घोषणा करते आ रहे हैं, 66 में हमने इसको शुरू किया था, 50 साल में हम
घोषणा करते आ रहे हैं, लेकिन दो तीन फसलों को छोड़कर कभी भी हमने इसकी चिंता नहीं की कि जो एमएसपी हमने अनाउंस की है क्या वो किसान को मिल रही है या नहीं मिल रही। सच कह रहे हैं। तो दूसरा ये चुनौती भी है अपने आप में, उन्होंने नीतियों की जिम्मेदारी दी थी, हमने अपना काम करके दे दिया है उनको जी। कि हम इसको ग्राउंड पे कैसे क्रियान्वित करें, कि यदि सरकार ने कह दिया कि भाई धान की जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है वो 1600 रुपए है, तो हम कैसे सुनिश्चित करें कि किसी का भी फेयर एवरेज क्वालिटी का धान 1600 रुपए से कम में ना बिके। तो इससे जो है एक बहुत बड़ा किसानों की आय में एक डिफरेंस आएगा, और मेरी रफ सी कैलकुलेशन है कि ये दोनों चीज़ें इम्प्लीमेंट होने से नया फार्मूला और ये सुनिश्चित कर देना कि जहाँ भी किसान को कीमत एमएसपी से कम मिली वो एमएसपी पे चली जाएगी है? अच्छा। जहाँ भी फार्म हार्वेस्ट प्राइस एमएसपी से लोअर है वो उससे रिप्लेस हो जाएगी, वो एमएसपी पे बिकेगी। तो वो जो खरीदार है वो खरीदेगा क्यों अगर उसको कम में मिल रहा है, तो जो फर्क है वो हाँ, उसकी जी, बिल्कुल ये वाजिब सवाल आपने उठाया। हाँ। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि इन दो निर्णयों से कम किसान की आय इन फसलों से 20% इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें कितनी फसलें हैं? इसमें गेहूं और धान को हम छोड़ दें। हाँ। तो हमारी 21 फसलें हैं इसमें। अच्छा। हाँ जी, 21 और विस्तार किया गया है। हाँ, मतलब पहले से हम 23-24 फसलों पे एमएसपी अनाउंस करते हैं, लेकिन दो के अलावा इम्प्लीमेंट नहीं होती तो वो इम्प्लीमेंट होगा। अच्छा। और दूसरा आपने कहा कि भाई कोई क्यों खरीदेगा एमएसपी पे यदि मार्केट प्राइस उससे कम है। इसके लिए हमने व्यापक रूप से चर्चा किया सभी प्रदेश के साथ, और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर वालों ने भी प्रपोजल बनाई थी। एक ये तरीका है कि हर जगह सरकारी एजेंसियां जो हैं स्टेट्स की, वो यदि कीमत उससे नीचे जाती है तो एक ये तरीका है कि वो खरीदेंगी। अच्छा। पहले भी खरीदती हैं कहीं कहीं, लेकिन बहुत थोड़ी मात्रा में। अब मान लीजिए हरियाणा में सरसों की कीमत जो एमएसपी है उससे नीचे चली जाती है, तो जो सरकार की एजेंसियाँ हैं वो उसको फिर खरीदेंगी, और जब वो खरीद के 30-40% अपने पास ले आएंगी तो आप देखोगे कि बाकी प्रोड्यूस की अपने आप जो प्राइस है वो ऊपर पहुंचेगा। ये एक मैकेनिज्म है। अच्छा। दूसरा मैकेनिज्म है जो मध्य प्रदेश सरकार ने पायलट के रूप में पिछले खरीफ सीजन में उसको एक्सपेरिमेंट किया है कि आप मंडियों में प्राइस मॉनिटर करोगे, यदि प्राइस एमएसपी से नीचे जाती है एक एवरेज क्वालिटी की, तो जो डिफरेंस है वो आप सीधा किसान को पे कर दोगे। जो राज्य सरकार है वो करेगी या कौन उसमें करेगा? एक सीमा तक जो हमने दिया है नीति आयोग की साइड। अच्छा, से अच्छा। कि एक सीमा तक उसकी 100% भरपाई। हाँ। केंद्र को करनी चाहिए, उस सीमा से एक अगली सीमा तक भरपाई जो है उसमें शेयरिंग होना चाहिए, कुछ अच्छा। स्टेट करे और कुछ सेंटर करे। हाँ। लेकिन काफी हद तक उसमें सेंटर जो है उसको हमने प्रपोजल में कहा है कि सेंटर उसको 100% उसको बियर करे, इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करे। तो एक हरियाणा ने भी इसी तरह की योजना शुरू की है कि भावांतर भरपाई योजना जी, जी। कि जिसमें जो एमएसपी है और जो एक्चुअल रेट मिलता है उसमें जो फर्क है अगर वो कम है एमएसपी से, तो उस फर्क को राज्य सरकार जो है वो उन्होंने सब्जियों के लिए किया है। हाँ हाँ, जैसे गोभी, टमाटर, प्याज और आलू। हाँ। ये चार फसलों के लिए जी। ये बिल्कुल ही मध्य प्रदेश की तर्ज पर है, और मुझे इस बात से, मैं थोड़ा पर्सनल हो रहा हूँ, बहुत खुशी मिल रही है क्योंकि मैं वर्ष 2003 से इसकी वकालत कर रहा था। और आप तो खुद किसान भी हैं, तो आप इस मर्म को समझते हैं कि जी, किसानों के साथ अगर कुछ अन्याय हो तो कितना बुरा लगता है। तो ये बहुत बढ़िया बात आपने बताई है, लेकिन अब एक सवाल ये भी मेरे मन में उठ रहा है प्रोफेसर साहब की, एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य जो आपने बताया, तमाम जो फैक्टर्स हैं उनको ध्यान में रखकर किया जाएगा, लेकिन हर जगह, इतना बड़ा देश है, हर जगह की परिस्थितियां अलग हैं, वहां की आवश्यकताएं अलग हैं, वहां के संसाधन अलग हैं, इतना फर्क है, तो एक एवरेज एमएसपी बनाना, उसको डिक्लेयर करना, इसकी कैलकुलेशन, इसकी प्रक्रिया कैसे होगी संभव? हमारे देश में मान लो हम गेहूं को ले लेते हैं, तो जैसे 10 प्रदेश ऐसे हैं जहां से 90-95% गेहूं पैदा होता है जी, उन 10-12 प्रदेशों में एक स्कीम चलती है जिसको हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम कहते हैं। अच्छा। उस स्कीम के अंडर हर प्रदेश से, डिपेंडिंग अपॉन प्रदेश कितना बड़ा है, 300 से 500 तक के किसान जो हैं उनके आंकड़े हर हफ्ते कलेक्ट किए जाते हैं।
वहीं गांव में फील्ड इन्वेस्टिगेटर रहता है, पूछकर देखकर वो आंकड़े बनाता है। वो शीट या तो जहां कोई यूनिवर्सिटी है जहां से वो स्कीम चल रही है उसके पास आ जाती है, अच्छा, या कोई और इंस्टीट्यूट है जो भी हो उसके पास आ जाता है। वहां से वो खर्चे सारी डिटेल फिर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में आती है। तो इसका एक प्रॉपर सिस्टम है जो पिछले बहुत सालों से व्यवस्था में है कि जो प्रमुख प्रोड्यूसिंग स्टेट्स हैं वहाँ से 300 से 500 के किसान का एक रिप्रेजेंटेटिव सैंपल लेकर उनसे हर तरह के खर्चे नोट करके, अच्छा, उसको जो है फिर आधार बना के खर्चे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो आप मैक्सिमम चीज़ों को शामिल कर लेते हैं, तो इसलिए अगर उससे कम खर्चे वाले भी कहीं हैं एरियाज लेकिन उनको भी लाभ उसका मिल जाता है पूरे का। ऐसा होता है कि देखिए अब आप ऐसा नहीं कर सकते कि हर एक फार्मर के कॉस्ट पे हमें कुछ मिलना चाहिए ना, फिर तो कोई ऐसा किसान भी होगा कि उसके फसल खराब हो गई और पैदावार 10 क्विंटल की बजाय 2 क्विंटल हुई और बीट का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 10 रुपए की बजाय 150-200 रुपए हो गया। बिल्कुल। तो ये जब आप औसत लेते हो तो आप एफिशिएंसी को रिवार्ड करते हो कि अब जब आपने एवरेज ले ली तो बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनको उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, बहुत से ऐसे किसान होंगे जिनको ज़्यादा फायदा कम फायदा मिलेगा, कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लॉस मिलेगा। एवरेज पे इस प्राइस फिक्स करने का ये मतलब है कि किसानों को अपनी स्थिति देखकर हर जगह के लिए कोई ना कोई एफिशिएंट पॉसिबिलिटी नेचर ने दे रखी है कि यदि आपको गेहूं में आप एफिशिएंट नहीं हो सकता है आप सरसों में एफिशिएंट हो सकता है आप चने में एफिशिएंट हो। तो अपने आप ही जब उसको आप उस हिसाब से खर्चा देते हो तो आप देखते हो कि क्रॉप पैटर्न उसी के हिसाब से डेवलप होते जाते हैं, स्पेशलाइजेशन बनती जाती है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर बहुत बड़ा और बहुत महत्वपूर्ण है जो प्रधानमंत्री जी ने भी जिसका उल्लेख किया है, उन्होंने एक तो मार्केट के साथ या खासतौर पर जो एपीएमसी और ई नैम प्लेटफॉर्म के साथ जो गांव की मंडियां हैं और छोटे छोटे मंडियां उनको इंटीग्रेट करने की बात कही है, इसका उद्देश्य या इससे लाभ क्या होगा? ऐसा है कि अब जैसे हमने कहा कि एमएसपी हम सुनिश्चित करें, अब उसके दो पहलू हैं। एक तो ये है कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस ही क्यों मिले, मैक्सिमम मार्केट प्राइस क्यों ना मिले। आफ्टर ऑल एमएसपी इज मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम ये चाहेंगे कि उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य ना मिलकर अधिकतम मंडी मूल्य जो है वो उसको मिले। अधिकतम मंडी मूल्य उसको एक कॉम्पिटिटिव मार्केट दे सकती है, वो सरकार नहीं दे सकती। और दूसरा ये है कि हमें जो मार्केट का रोल है उसका एक अपना रोल है मार्केट का, उसको एलिमिनेट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। कि भाई ऐसा ना हो कि देश में जो कृषि बाजार है वो नेशनलाइज ही हो जाए, सब कुछ सरकार को ही करना पड़े, वो देश के हित में भी नहीं होगा, किसान के हित में भी नहीं होगा। बिल्कुल। सरकार की जिम्मेदारी जहां मार्केट फेल हो रही है, मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं है, कहीं ग्लट आ गए, तब बनती है कि हमें इस प्राइस से नीचे नहीं जाने देना। लेकिन जैसे क्या आपने दूध में कभी सुना कि आपको कोई एमएसपी की आवश्यकता पड़े? एक कॉम्पिटिटिव सिस्टम चल रहा है और उससे उनको प्राइस एक मिल रही है। बिल्कुल। तो ये है कि हमें मार्केट का एक अपना रोल है, मार्केट का अपना रोल अदा करने के लिए हमें मार्केट को मॉडर्नाइज करना है, इलेक्ट्रॉनिक तरीके लाने हैं वहाँ पर, ई नैम वगैरह का जो उन्होंने बात किया, मार्केट की इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनानी है। बहुत से किसान हैं उनके घर से मार्केट 20 किलोमीटर दूर है, वो जाते ही नहीं अपना प्रोड्यूस लेकर। तो वो जो है कि हम इतनी ज़्यादा जो रूरल हार्ट्स हैं 20,000 के लगभग, उन पे कोई 2,2100 करोड़ रुपया खर्च करके हम थोड़ा उनको भी डेवलप करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम एपीएमसी एक्ट में अमेंडमेंट करके वहाँ ज़्यादा प्लेयर्स को एग्रीकल्चर मार्केट में लाने के लिए आकर्षित करें। तो ये एक और एरिया है जिसमें मार्केट को कॉम्पिटिटिव एफिशिएंट बनाने के लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं और रिफॉर्म सुझाए जा रहे हैं प्रदेशों को कि आप इसमें रिफॉर्म करिए। तो इसका मतलब कि इसमें आईटी सेक्टर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी और होनी चाहिए भी, क्योंकि यदि हम कनेक्टिविटी वन नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट बनाना चाहते हैं वो तभी संभव है कि यदि ई नैम हो जाए। बिल्कुल। अभी जैसे कर्नाटका में ई नैम चल रहा है काफी मंडियों में, उसका मतलब है कि दिल्ली के किसी व्यापारी ने अपना लाइसेंस ले लिया कर्नाटका में प्रोड्यूस खरीदने का। अच्छा। वो मंडी में डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पे कि आज यहाँ पर ये चीज इतनी आई है, उसकी असेंग के बाद के ये उसकी एक क्वालिटी है।
और उसको फिजिकली ऑक्शन ना करने की बजाय उसको पासवर्ड मिल जाता है तो वो अपना दिल्ली में ही कहाँ भी, चाहे वो हवाई जहाज में जा रहा हो, अपने कंप्यूटर में वो उसको खोलेगा पासवर्ड से और वहीं से वो उसकी बिडिंग कर देगा। अच्छा। ये प्रोड्यूस जो है मैं इसको खरीदता हूँ, इससे आपकी सारी मार्केट इंटेग्रेट हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कई जगह केला होता है, कई जगह खाया जाता है, कई जगह किसी चीज़ का उत्पादन होता है, दूसरी जगह वो खाई जाती है। इनमें इंटेग्रेशन, इनमें जो प्राइस का डिफरेंस है उसको मिनिमम करना तभी संभव है यदि हम नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट की ओर अपनी सिस्टम को लेकर जाए। तो इसमें जो प्रोड्यूस है, जो पैदावार है, उसको और अच्छा बेहतर रेट मिलने की संभावना ज्यादा रहेगी इसमें, बहुत ज्यादा। और ऐसा हुआ है, मैंने खुद स्टडी की है कर्नाटका में। जहाँ पहला मॉडल ये ईनेम टाइप ही उन्होंने आरईएमएस के नाम से शुरू किया है। अच्छा। मैं खुद काफी मंडियों में मैं विजिट करके आया तो मैंने देखा है कि कैसे वहाँ के किसानों को दूसरों से 13-14% ज़्यादा भाव मिल रहा था। तो एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी मार्केट में एक क्रांतिकारी कदम होगा जब हम सारी मार्केट को आपस में जोड़ देंगे, कोई किसी का भी प्रोड्यूस कहीं भी बेचे और कोई कहीं से भी प्रोड्यूस को खरीदे। तो उसको कहीं लेकर ढोकर ले जाने की जरूरत नहीं है, आप किसानों को जो अपना माल लेके जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है उसको बेचने। जब मार्केट इंटेग्रेट हो जाएंगे तो, हाँ। तो फिर वो वहीं पे उसको, क्योंकि फिर सबको पता होगा कि यहाँ प्रोड्यूस है जी, तो सबको नॉलेज होगा उसका, निश्चित रूप से उसका इंटेग्रेट हो जाएंगे। इसके बारे में श्रोताओं एक बात तो हम जरूर कहेंगे, खासतौर पर हमारे किसान जो भाई बहन है उनसे जरूर हम ये कहना चाहेंगे कि आप अपने स्तर पर भी इन चीज़ों को बेहतर से बेहतर समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके पास साधन हैं, इंटरनेट के जरिए, रेडियो के जरिए, हम दूरदर्शन के माध्यम, आकाशवाणी के माध्यम से तमाम कार्यक्रम आप तक पहुंचाते रहते हैं। और आप ऐसे पोर्टल्स भी हैं, मंत्रालय का भी पोर्टल है भारत सरकार का, जिस पर बहुत सारी जानकारियां हैं। लेकिन अभी एक गीत सुनने का और सुनवाने का मन हो रहा है प्रोफेसर साहब। चिच्चोर फिल्म आई थी, बड़ी खूबसूरत सी, सिंपल सी पर बहुत ही भावपूर्ण फिल्म थी, और उसमें एक गीत है अमोल पालेकर, जरीना बहाव जी पर फिल्म आया हुआ, कि गुरी तेरा गांव बड़ा, बड़ा प्यारा, प्यारा। तो गांव का तो अपना मैं तो गया मारा आके यहां जी, जी, जी। तो यशुदास साहब ने इस गीत को गाया और कितने खूबसूरत अंदाज में गाया है। तो आइए गांव के इस खूबसूरती को हम भी जरा महसूस करें और फिर लौट कर आते हैं। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जू आधा आधा जवान रे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलिया पहना दूँ, कुह कुह गाती कोयलिया को फूलों का गहना दूँ, यही घर अपना बनाने को पंच करे दे तो तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे, आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्र
माजू आधा आधा जवारी आधा जवारी। श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप पोस्ट बॉक्स नंबर 111 और आज इस कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद जी से उनके लंबे अनुभव और उनके जो भूमिका तमाम तरह की योजनाओं में जो कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं उसके माध्यम से कुछ बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक हमें पहुंचाने का अवसर मिल रहा है मन की बात को आधार बनाकर। एक चीज प्रोफेसर साहब, ये जरूर हमें थोड़ा संशय सा होता है क्योंकि एक बहुत बड़ा संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया है कि किसानों की आय दुगनी करना है, संभावनाएं हैं, लेकिन क्या सिर्फ जो पारंपरिक खेती है उसको करके ही इसे हम हासिल कर सकते हैं या इसमें हमें और ज़्यादा डाइवर्सिफाई करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा मान लीजिए मत्स्य पालन है या हमें पशुपालन है, पोल्ट्री है, बागवानी है, फल सब्जियां, फूल, कितना कुछ है जो कृषि से जुड़ी, ज़मीन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं और किसान चाहे तो इनको साथ साथ कर सकता है, तो क्या पारंपरिक खेती अपने आप में पर्याप्त होगी या इनका सहारा लेना ज़रूरी हो जाएगा? इनका सहारा बिल्कुल हमें लेना पड़ेगा, लेकिन प्राप्त जो हमारी परंपरागत खेती है अब उसमें भी बहुत अच्छी अच्छी संभावनाएं पैदा हो रही हैं। अच्छा, कई कंज्यूमर जो हैं उनको परंपरागत तरीके से पैदा किया हुआ जो फूड है उसके लिए वो प्रीमियम प्राइस देने के लिए तैयार है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, वो परंपरागत ही है हमारे तरीके, बिल्कुल सच। तो उसके लिए कई कंज्यूमर हैं वो कह रहे हैं मेरे को बिना खाद वाली सब्जी मिल जाए तो मैं उसके लिए डबल प्राइस दे दूंगा। तो अब जो है हमें दोनों फ्रंट पे, मॉडर्न पे भी जाना है, परंपरागत के जहाँ मार्केट हमें मिलती है थोड़ा उसको में साइंस लाकर उसको भी करना है। और जो आपने कहा डबलिंग फार्मर इनकम एक बहुत बड़ी चुनौती है, बिल्कुल, लेकिन ये संभव है। हमने इसका सब कैलकुलेशन करके देखा, ये संभव है, लेकिन इसके लिए हमें 6-7 फ्रंट पे एक ही समय पे चल के ये प्राप्त हम कर सकते हैं। उसमें हमें उत्पादकता को बढ़ाना, उसमें हमें अपने जो प्रोडक्शन है उसको डाइवर्सिफाई करना जी। क्योंकि ऐसे ही हमारे पास कैलकुलेशन है कि फ्रूट और वेजिटेबल एक एकड़ से एक नॉर्मल जो बाकी फसलें हैं हमारी कोर्स ग्रेन, दालें और ऑयल सीड, उनसे 3 गुना इनकम आ जाती है। तो उनकी डिमांड भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी और काफ़ी एरिया शिफ्ट करने की संभावनाएं हैं, उधर को जाना। इसी तरह एग्रोफॉरेस्ट्री को प्रमोट करना, बी कीपिंग को प्रमोट करना, फ्लोरिकल्चर को प्रमोट करना, वो भी इसमें आता है। और बेटर प्राइसेस से लगभग 20% हमारी कैलकुलेशन है कि उससे भी इनकम बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो ये डबलिंग फार्मर इनकम के लिए 6-7 सोर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं और वही सभी स्टेट से भी शेयर किया गया है। इन सब संभावनाओं को हम तलाश कर और इसको किसान को अडॉप्ट कराने में उसकी मदद करें। एक पेरी अर्बन कल्चर का एक कॉन्सेप्ट जैसे मैंने सुना उसके बारे में, ये क्या, थोड़ा इसको आप हमें समझाएं इसको कि पेरी अर्बन कल्चर क्या है और किसान जो है वो किस तरह से इसका लाभ ले सकते हैं? पेरी अर्बन का मतलब है कि जो अर्बन एरिया की पेरिफेरी में हम खेती करते हैं। अच्छा, बड़े शहरों के आसपास का जो एरिया, बड़ा या छोटा शहर जो उसकी पेरिफेरी में जो जमीन है उसको 2-3 एडवांटेज है। एक तो उसको ये एडवांटेज है कि ट्रांसपोर्ट एडवांटेज। अब एक किसान कोई अपनी मान लीजिए लखनऊ से वेजिटेबल, लखनऊ के पास से वेजिटेबल दिल्ली में लेकर आता है और दूसरा नोएडा के पास के गांव से लेकर आता है, तो नोएडा वाले को सर्टेनली उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। बिल्कुल। दूसरा उसको एडवांटेज फ्रेश सप्लाई करने का है। हाँ। कि जो दूर से लेकर आएगा कितना एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट हो उसका, एक ट्रांसपोर्ट में लाने में एक फ्रेशनेस थोड़ा सा अफेक्ट हो जाती है। जो पास वाला है वो उसको उस तरह की फ्रेश क्वालिटी उसको सप्लाई कर सकता है, कंज्यूमर के चॉइस के हिसाब से वो उसको पैदा कर सकता है। तो जो शहरों के आसपास एरिया होता है वहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप पैदा करने की ज़्यादा संभावनाएँ होती हैं, क्योंकि आप गेहूं वहां पैदा करेंगे तो उसमें आपको एडवांटेज नहीं मिलेगा। गेहूं तो पैदा करके कोई भी रख लेगा, बिल्कुल ले आएगा 6 महीने के बाद जब भी है। लेकिन जो चीज पेरिशेबल है, सेमी पेरिशेबल है, हाई वैल्यू है, एट्रीब्यूट्स हैं उसमें कुछ, उनके लिए ये एक पेरी अर्बन का है कि शहर के आसपास जी लोगों को ताजा, बेटर क्वालिटी और क्विक अवेलेबिलिटी एकदम से जी, कैसे, क्योंकि इसमें फल भी हैं, सब्जियां हैं, फूलों की फूल खेती है, हाँ, जी, दूध जी, है, हाँ, तो ये सब चीजें तो बहुत महत्वपूर्ण हैं और इसका कहीं थोड़ी सी शुरुआत करके अगर आगे बढ़ते हैं तो इसका लाभ एक बार मिलने लगेगा किसानों को, तो निश्चित रूप से वो इसमें और आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम बातचीत को और आगे नहीं बढ़ा पाएंगे प्रोफेसर साहब क्योंकि समय की सीमा है, लेकिन इस विषय में
बहुत सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि श्रोताओं तक और ख़ासतौर पर किसान बहनों भाइयों तक पहुँचे, और हम अलग अलग समय पर आपके साथ इन चीज़ों को लेकर चर्चा करते रहेंगे, प्रोफेसर साहब के साथ भी और श्रोताओं आपके साथ भी। लेकिन अभी के लिए फिलहाल बहुत बहुत आभार आपका कि आप इस कार्यक्रम में आए। बहुत सारी व्यस्तताएं और जिम्मेदारियां आपकी, लेकिन फिर भी आपने बहुत महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से हमें कुछ बातें समझाई हैं, बताई हैं। और आपका धन्यवाद। मेरी चाहे कितनी मैं बिजी रहूं, फिर भी मेरी एक जिम्मेदारी है कृषि के प्रति, किसानों के प्रति। आप जब भी चाहें मुझे बुलाएं, बहुत मुझे खुशी होगी यहाँ आकर। जी बहुत बहुत आभार। तो श्रोताओं, प्रोफेसर रमेश चंद जी आज इस कार्यक्रम में हम उनसे बातचीत कर रहे थे, आप नीति आयोग के सदस्य के रूप में और अपने लंबे अनुभव से इस क्षेत्र में बहुत कुछ योगदान दे रहे हैं। तो आप सबको और आपके योगदान को, क्योंकि ये देखिए समाज का कोई भी सदस्य हो, जीव जगत का कोई भी प्राणी हो, आपके उत्पाद से, आपके पैदावार से हम सबका जीवन चलता है, और इसलिए आपकी खुशहाली देश और समाज की खुशहाली का आधार है। और हम दुआ भी करते हैं और ये हमेशा प्रयास करेंगे कि हमारे किसान निश्चित रूप से खुशहाल रहें, विकास में उनका योगदान हो और उनका अपना खुद का भी विकास हो, और जो लक्ष्य प्रधानमंत्री ने देश के सामने रखा है उनकी आय दुगने करने का, दुगना हो और उसके बाद तिगुना हो और चौगुना हो, इस तरह की ये प्रक्रिया आगे बढ़ती जाए। आप सबके लिए बहुत सारी मंगल कामनाएं। आपको इस गीत के साथ छोड़ जाता हूँ, जैनेन्द्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार। ये दुनिया एक दुल्हन, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया, ये मेरा इंडिया, ये मेरा इंडिया, आई लव माय इंडिया, आई लव माय इंडिया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111। श्रोताओं, ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को इसी समय आकाशवाणी के रेनबो नेटवर्क और विभिन्न केंद्रों से प्रसारित किया जाता है। इसमें वो रविवार शामिल नहीं है जिस रविवार को माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात करेंगे। पोस्ट बॉक्स नंबर 111। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जैनेन्द्र सिंह और प्रस्तुति सहयोग था चंपा धर्मशक्तु का। पोस्ट बॉक्स नंबर